सरप्राइज। मैं कौन है ये? तुम शादीशुदा हो, तुमने बताया भी नहीं। तुम 6 महीने के। मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। मैं सिर्फ तुमको जानती हूँ यार, बात मान जाओ। क्या रहे? भाई मेरा 5 महीने का बच्चा। नहीं जानती है वो। जाओ यार। नहीं जानती उसे भाई। नहीं जानती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है ये अरुण जी और ये है रोहित भाई। मतलब मैं आज का ये जो सिचुएशन है ना, सीरियसली कोई नया नहीं है, बट थोड़ा सा बहुत अलग चीज़ है यार। मुझे मतलब खुद समझ नहीं आ रहा है कि एक लड़की है वो इनकी गर्लफ्रेंड है और इनकी बीवी है। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। आप एक देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो बोल रहे हो ना सही है, लेकिन आप ये बात समझो ना कि मैं कैसे यकीन कर लूं इनकी बात पे। अच्छा एक चीज बता भाई, आप और कैसे यकीन दिलाऊं? आप इसी की बात कर रहे हो ना भाई? आप इसी की बात कर रहे भाई? फोटोशॉप पे चल होता है, मैं कैसे यकीन? आप रैंडम आके भाई भाई एक मिनट आप मेरी बात सुन लो। आप यहाँ पे मेरी बात एक बार सुन लो। देखो यहाँ पे बात ये है ना कि आगे ये बंदे को आप जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता। इससे पहले मिले हो? नहीं। कभी नहीं? नहीं। कुछ तो मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? तो ये बताओ कि ये बंदा आपकी, मुझे कुछ पता लगा है जब भी, तो मैं आपको बुलाया है। आपके कहने पे जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके पास आ रहा है, या आपकी गर्लफ्रेंड ने उसका कहीं फोटो दिखाई या कुछ भी दोस्त मिलाई है इससे? हो सकता है बदनामी कर रहे हो भाई। अरे भाई मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ की बदनामी करूंगा? एक सेकंड, क्यों बदनामी करेंगे? इनको क्या मिलेगा? होगा कोई दुश्मनी आपसी? अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, आपको लग रहा है ना कि ये झूठ बोल रहे हैं आपकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मैं 6 महीने से मेरी वाइफ है, मैं 3 साल। एक मिनट भाई, एक मिनट जाए इनको ना थोड़ा सा, आपको लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पर आए हो। देखो एक मैं चीज़, जो ये मेरे सर्टिफिकेट दिखाए ना अपना, जो आप बोले फोटो शॉप हो सकता है, मेरे सर्टिफिकेट दिखाए, साइन दिखाए, या जो भी चीज़ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, इनको सब कुछ दिखाया है मैंने। एक मैं आपको लग रहा है कि वो सब झूठा है? हाँ बिल्कुल। लेकिन 1% आपके मन में ये चीज़ तो है ना कि सच्चा है, तभी तो आ जाते हैं यहाँ पर आए हो ना। तो उसी 1% के लिए आप शांत रहो, देख लेते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है? चलिए मैं आपको ठीक है, आप आपको लग रहा है ना कि ये झूठे थे कि इनको झूठा प्रूफ मैं झूठा नहीं हूँ मैम, मैं झूठा नहीं हूँ भाई। कोई बात नहीं। मतलब दोस्तों मैं क्या बताऊँ ना कि वो लड़की, इनका कहना है कि इनकी बीबी है और इनकी गर्लफ्रेंड है, तो भाई आप बताओ क्या चीज़ें हैं? मैम मैं, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, मैंने लव मैरिज की थी इनसे। अच्छा लव मैरिज? हाँ लव मैरिज है मेरी इसके साथ में, और 3 साल हो गए हमारी शादी को, और मेरा एक 5 महीने का बच्चा भी है। अच्छा आपका बच्चा है? हाँ जी। इसका एक्चुअली क्या था कि इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। ओके। और इसका आगे पढ़ने का मन था, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना था। ओके। ये मेरे से बोली मुझे पढ़ना है, मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैं, मैम आपको क्या बताऊँ, मैं 3-3 नौकरी करता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ घर से 6 बजे, इसी के लिए जाता हूँ, सिर्फ इसी के लिए कि इसे सपने पूरे कर सकूँ मैं, सिर्फ इसके लिए। और मेरे साथ क्या हो रहा है, वो तो अचानक मुझे ऐसे पता लग गया। मतलब आप सुबह एक दिन में तीन जॉब करता हूँ मैम। मैं सुबह निकलता हूँ घर से 6 बजे, मैं 6 से लेकर 5 तक एक जॉब करता हूँ कॉल सेंटर में। ओके। कॉल सेंटर से निकल के मैं 4 घंटे की जॉब करता हूँ जिम के अंदर, और एक जगह मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता हूँ 4-5 घंटे के लिए सिर्फ। मैं घर में 10-11 बजे करीब घुसता हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ। क्यों? मैं उसको पढ़ा सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। क्या मैं इसीलिए कर रहा था क्या? और वो मेरे साथ जो 6 महीने से। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। आपको ये बात कब पता चली कि ये मतलब बॉयफ्रेंड है या जो भी है? एक दिन वो नहाने गई हुई थी, उसका फोन रखा हुआ था बेड पे। अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता लगा कि उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड तक बदल दिया है, जो कि कभी नहीं बदला उसने। इनफैक्ट जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तब भी मुझे, हम दोनों को एक दूसरे के फ़ोन के पासवर्ड पता होता था, उनने पासवर्ड चेंज कर दिया मैम, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। और तो और मैंने उस दिन देखा कि वॉशरूम गई हुई थी, तो कॉल आ रहा था, एक बार बार कॉल आ रहा था, मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा उसमें रोहित नाम का कॉल आ रहा था, और एक उस पर ना इमोजी लगा हुआ था हार्ट का। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 2-3 मैसेज भी आए, वो मैसेज मैंने, मेरे ऊपर से आ जाते हैं नोटिफिकेशन में, वो मैंने पढ़ लिए। फिर मैंने इनका नंबर निकाल लिया रोहित का। मैंने रोहित से बात की, उनको
एक्सप्लेन किया, बताया, ये मानने को तैयार नहीं थे, फिर भी मैंने इनको बोला कि आप मेरे को कुछ टाइम दो, आप मिलो मेरे से एक बार। ओके मैंने मैम आपसे कांटेक्ट करा इसी वजह से किया, तो मुझे पता है कि आपसे मुझे हेल्प मिल सकती है। मैं एक चीज बताती हूँ भाई, मतलब सीरियसली आप जिस चीज से कर रहे हो ना, ये बहुत ही मतलब सीरियसली ये लोग फीलिंग्स नहीं समझते हैं। ये मैम मैं तीन मतलब तीन भी इंसान है ना, कोई मशीन तो है नहीं। एक दिन में तीन तीन जॉब करता है, किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। और इसकी बीवी क्या कर रही है? बॉयफ्रेंड बनाते घूम रही है। और एक चीज मुझे यकीन नहीं हो, 5 महीने का बच्चा है उसका। एक चीज में मेरा ना सोचती, उसका सोचती। इनकी फैमिली को मतलब फैमिली की मर्जी से शादी हुई थी या ऐसे ही शादी? नहीं, हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया हमको। 3 साल हो गए भाग के शादी किए थे। मतलब मेरा होता है ना कि ये बंदा अपना फर्ज निभाने के लिए हर चीज कर रहा है, इसको कोई वो नहीं। मैं किसी चीज में खुद नहीं, जो चीज कर अपने लिए अपने शौक मार के मैं उसके पूरे करता हूँ। और भाई आपको वो कैसे मिली, क्या हुआ? वो मेरे को मिली थी इंस्टा के थ्रू। ओके 6 महीने से रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप है हमारा। ओके और हम मिलते हैं। ओके और मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। भाई देखो, भाई सुनो मैं एक चीज बता रही हूँ। भाई मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ यार, तो मैं थोड़ी ना झूठ। भाई सुनो बहस मत करो, यहाँ पे बहस करने नहीं आया ना। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये बंदा सच बोल रहा, तभी आज आप यहाँ पर बैठे हो। अगर आपको लगता ना कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, तो आप यहाँ पे नहीं रहते, ठीक है ना? आपको नहीं भरोसा हो रहा है ना, यकीन दिला देंगे। एक काम करोगे भाई जी, आज आपने बताया था कि आज उसका बर्थडे भी है। हाँ, उसका बर्थडे है। ठीक है, आप अच्छा ये देखो, उसके आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और इनकी बीबी का बर्थडे एक ही दिन में, यही बोलोगे इत्तेफाक है? ये भी बोलोगे? बिल्कुल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप उसको यहाँ फोन करके बुला सकते हो। हाँ मैं बुला सकता। ठीक है, आप फोन करके बुलाओ, और आपसे अगर क्वेश्चन सवाल करेगी कि जॉब पे नहीं गई, तो बोला कि नहीं आज मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ बेबी। ममता। हाँ जी। कहाँ पे हो आप? घर पे हूँ, कहाँ पे होंगे? अच्छा अच्छा, एक काम करोगे आप? हाँ जी बोलो। जो अपने घर के पास में पार्क है ना, आप वहाँ आ जाओ जरा, मुझे आपसे कुछ काम है, कुछ बात करनी है अर्जेंट। अच्छा, आप आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, आओ जरा आओ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी आओ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। ओके ओके। आप इसी नंबर से ना बात करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, आप मिला लो। हाँ यही है नंबर। यही नंबर है, आवाज भी ऑलमोस्ट वही होगा। ये भी इत्तेफाक है। ओके, भाई अब भी यकीन नहीं हो रहा, तो अभी आगे भी पता लग जाएगा। आ रही है ना दोस्तों, सुनिए, आ रही है ना, जो भी चीज है ना क्लियर हो जाएगा। मतलब सीरियसली ये बंदा अपने बच्चे अपनी बीवी के लिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ बच्चे का क्या होगा मेरे अगर, और वो लड़की को मतलब ठीक है, कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा। आप वेट कर लेते हैं ना यहाँ पे, जो भी चीज है आपको भरोसा हो जाएगा ना, आंखों से देखे तो भरोसा होगा ही। तो वेट कर लेते हैं दोस्तों, जो भी चीज है ना यहाँ पे एकदम सबके सामने आ जाएगा। आगे। हाय बेबी। आप तो सवेरे ऑफिस गए थे ना, तो 6 बजे गए थे, और अब 11:30 बजे पार्क में क्या कर रहे हो? अरे आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। अच्छा। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा था आपको यहीं बुला लूँ, यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। आज कैसे टाइम मिल गया तुम्हारे को पार्क में? वैसे तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, तुम भी समझती होगी, मुझे पता है। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, वो किसके लिए कर रहा हूँ? तो मुझे पता है मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन एक औरत को टाइम भी तो जरूरी होता है ना। मैं ये वो बताऊँ, मैं 3-3 जॉब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ। पता है मेरे लिए? मैं भी सोच रहा हूँ कि आप, हाँ, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम फ्यूचर में कभी परेशान ना हो, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो। मैं तो इसलिए लगा हुआ, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ। मैं जॉब, ये 3-3-4-4 जॉब जो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। और मैं भी मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि मैं तुमको टाइम नहीं दे पाता हूँ। मुझे भी इस बात का रहता है कि हाँ मैं आपको टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ, मुझे भी गिल्टी फील होता है कि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ आपको। अब क्या क्या सपने संजोए थे हम लोगों ने शादी जब की थी,
लेकिन मैं भी समझता हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। घर से भाग के आप सबको छोड़कर आपके साथ मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी तो तुम्हारे लिए रहा हूँ ना, किसी और के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टाइम भी तो जरूरी होता है ना। हाँ मुझे पता है टाइम चाहिए होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए अभी थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम से परेशान ना हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए मोहताज ना हो। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी जो 3-4 जॉब जो मैं कर रहा हूँ कि कुल मिला के हमारा जब सेटअप बैठ जाएगा ना फिर पूरा टाइम मैं आपको दूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी खलता है इस चीज़ का कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। तुम्हें पता और कहीं है ना? ऐसा तो नहीं है, मेरे को कई बार ऐसा डाउट भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया हो? क्या ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई आ ही गया है। मेरे को लगा कि ऐसा कि मतलब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे आपका व्यवहार चेंज लग रहा है मेरे प्रति। तो इसके रीज़न आप भी तो हो सकते हो। आई नो, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तुमको। मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं कर किसके लिए रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ, बच्चे के लिए कर रहा हूँ अपने। सही बात है, है? तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मुझे कुछ टाइम का टाइम और दे दो, मैं पूरा टाइम तुम्हें दे दिया करूँगा अपना। अच्छा। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद अपन सेटल हो जाएंगे अच्छे से, तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा फिर मैं। अच्छा, अपनी गलती मानने के लिए तुमने मुझे पार्क में बुलाया था। अच्छा गलती तो बात रही है। अच्छा एक चीज़ और, आप आज आपका बर्थडे है ना, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा क्या? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज आपका बर्थडे ना, आज मैंने सोचा आज 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 आपको पूरा टाइम देके। कोई याद था क्या? मुझे तो याद था, मुझे तो पता ही था कि आपको याद है। मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगा? याद था, मैंने कहा कहीं आप इतनी। अच्छा एक चीज बताओ, मैं मेरा बर्थडे ही भूल गया। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कभी भूला हूँ ये बताओ आप? नहीं। हाँ मैं मानता हूँ मैं बिजी था। मैं ममता तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता तुमको? बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा ना आए यार। क्या बात कर रहे हो यार, आप पागल हो क्या? नहीं बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर कमी है, थोड़ी सी कमी सिर्फ यही है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच में कभी कोई ना आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ममता, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। थैंक यू। ये भी आपके लिए एक सरप्राइज और है। क्या? इसके लिए पहले आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अच्छा, कर ली। अच्छा सरप्राइज। मैं कौन है ये? कैसे? क्यों सरप्राइज ऐसा नहीं लगा ये बताओ ना। सरप्राइज अच्छा नहीं लगा आपको? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम क्या कर रही हो? कौन है ये? ये कौन है? कौन है यार? कौन है ये? नहीं जानती तुम मेरे को? तुम मेरे को नहीं जानती कौन हूँ मैं? तुम नहीं जानती मुझे कौन हूँ? क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ तुमको जानती हूँ, तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती मेरे को? नहीं जानती मैं। तुम हो कौन? क्या यहाँ से? और मेरे को जानती हो? जानती हो मेरे को? तुम मेरे को नहीं जानती हो? इधर देखो, पहले इधर देखो, मेरे को नहीं जानती हो तुम? जानती मैं। ये मंगलसूत्र क्या है? ये मांग में सिंदूर किसका है? ये किसका है? ये बच्चा है तुम्हारा, तुम शादी शुदा हो, तुमने बताया भी नहीं। तुम 6 महीने के? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम 6 महीने से मेरे साथ खेल रही हो, तुम मेरे 6 महीने से मेरे साथ खेल रही हो, ये क्या है मंगलसूत्र? अब भी सच बोल दो, अब भी सच बोल दो। झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे कह रही हूं। तो तुम यहाँ पे क्या केक काट रही थी इसके साथ, बताओ ना? ये झूठ बोल रहे, मुझे नहीं पता, ठीक है? झूठ बोल रहे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ पे केक काट। अभी भी मैं कह रहा हूँ सच बता दो, मैं तुम्हें, अभी भी वक्त है। अरे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्यों भरोसा न करूँ? मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुम केक काट रही हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा है।
यार तुम मेरी बात पे भरोसा करो। इस बात का भरोसा सच बोल दो अभी भी। भरोसा तुम पे करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी भी सच बता दो। मैं कह रहा हूँ अभी भी सच बता। नहीं जानती मैं तुम्हारे को यार। मैं सिर्फ तुमको जानती हूँ। बात मान जाओ। क्या नहीं तो जिंदगी खराब हो। खड़े हो यार मेरे बच्चे का क्या होगा। खड़े हो यार मेरे बच्चे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अबे नीच औरत अब भी बता दे। अब भी बता दे। बैठो भाई। बिल्कुल नीच। मेरा बच्चा सिर्फ 5 महीने का है उसका क्या होगा। नहीं जानती वो कौन है। नहीं तुम कौन हो। तुम्हारा क्या मतलब है। हमारा आपस का मैटर बंद। क्या बोले मुंह बंद मतलब तुम कौन हो। तुम कौन हो। तुम्हारा क्या मतलब है पीछे बोलने का। चुप बोले ना चुप। मुंह बंद। नहीं जानती भाई मेरा 5 महीने का बच्चा। नहीं जानती है बोल। मैंने लव मैरिज करी थी इससे। क्या तेरी लव नहीं जानती है तो इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है हमारे बीच में बोलने का। चुप मतलब चुप। भाई चुप हो जा यार। नहीं जानती हूँ सर। भाई नहीं जानती है इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। इतनी गिरी हुई सीरियसली। नीच औरत है मैडम ये नीच। पति है तेरा। पति है बच्चा है ना तेरा। घर से भाग के शादी की थी ना। चुप मुंह बंद। जब बोलूंगा तब बोलने के लिए। मैंने लव मैरिज की थी इससे। मैंने भी प्यार करा था 6 महीने के साथ। 6 महीने मेरे साथ। नहीं बताती हूँ। पति है तेरा बच्चा है ना तेरा। कितनी गिर गई पैसे के लिए कि अपने घर का मिला नहीं इसको छोड़ दी। सीरियसली गरीब है मेरी जरूरत नहीं पूरी। मैंने एक बार भी बच्चे के लिए भी नहीं सोचा। उस बच्चे का क्या होगा। 5 महीने का बच्चा है वो कुछ भी नहीं जानता। पैसों के लिए किया मेरे साथ 6 महीने से। एक मिनट पैसे बताती हूं। मैंने सारी कोशिश की इसकी जरूरत पूरी करने की। मैं अपना नहीं देखता था कुछ भी। जो तू यहां नौटंकी कर रही थी ना वो सामने कैमरा दिखा। कैमरा दिख रहा है। कैमरा दिखा। दिख गई है ना। दिख गई इस औरत की। समझे तुम। रिकॉर्ड बंद कर दो। नहीं बंद होगा ये। पूरी दुनिया में जाएगा बहन। पूरी दुनिया में। नहीं इसे बंद कर दो। पुलिस में देना आप। ये भी रिकॉर्डिंग पुलिस में। 24 घंटे काम करता है। एक दिन में 3 जॉब करता है। तुझे पता है पैसे कैसे कमते हैं। मैं बता रही हूँ इसे बंद कर दे नहीं तोड़ दूंगी इसको। मैं छूके दिखा। जा जा समझ में आई। जा 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 छूके दिखा। जा तोड़ के दिखा। जा ना जा ना। इतना ना तेरा हिम्मत नहीं है समझी ना। इतना तेरा हिम्मत नहीं है। अपने लिमिट में रह। लिमिट में रह। तुम चुप कर जा। नहीं अरे औरत है इसके लिए तुम रो रहे हो। एक बार उस बच्चे के लिए सोच लेती वो 5 महीने का बच्चा नादान क्या जानता है वो। 3 जॉब करता है ताकि 13 ख्वाहिश पूरा कर सके। और ये दीदी अरे मैं तो सोच रहा था ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। मैं इसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाह रहा था। ये कभी पूरी तो कर नहीं सकता। मेरे लिए वो करेगा ये नहीं तो क्यों भाग के शादी की थी। भाई फोन नहीं रहे सही में। माँ बाप कहीं ना कहीं बहुत सही होते हैं। घर से भाग के शादी की क्या हो गया। मेरे को नहीं था पता ये ऐसा करेगी मेरे साथ। हमारी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल शादी को हो गए। तूने एक बार भी सोचा अपने पति के बारे में अपने बच्चे के बारे में। पति मेरे बारे में सोच रहा है मेरे साथ 6 महीने रहा। हाँ, वो तो तू अपनी पति की भी नहीं हुई। 3 साल तो मेरे साथ क्या होगी। मेरे साथ तो 6 महीने इसके साथ तो 3 साल है। भाई जो लड़की घर से भाग के शादी की माँ अपनी मर्जी के खिलाफ इस लड़के। मैंने तो अपने घर तक पे बात कर ली थी मैडम। तेरी होगी कभी ये नहीं होने की। तुम इसके कहने पे चल रहे हो। इसके भड़का रही है। मुंह बंद। भाई तू मेरा मुंह छोड़। समझ में आ गई तेरे को। ठीक है अब बता तू क्या करे उसको भी। तुम यही चाहते थे ना। यही करवाना चाहते थे ना। समझ में आई। इसके लिए सबको कहते फिरते हो तुम नौकरी क्यों करता हूँ मैं। मेरे लिए करते हो क्या तुम। अपनी खुशी से करते हो ठीक है। ना लंगर खाना देते ना पीना देते ना मुझे टाइम देते तो मैं क्या करूँ। फिर यही करूँगी ना। ये छोड़ के चला जाएगा तो मैं दूसरा नहीं करूँगी। सिर्फ तेरे लिए की है मैंने। वो शर्म आनी चाहिए तेरी खुशियों के लिए की। ठीक है तुझे शर्म आनी चाहिए। अब भी इतना बढ़िया पति मिला हुआ है। तू क्या बोली कि ना कुछ नहीं करता है। तुझे पता है 3 जॉब करता है एक दिन में। 6 बजे निकलता है और रात के 12 बजे घर आता है। मैंने अपनी भूख प्यास बुला दी। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था मैंने। अरे बाहर में जाए। अभी बाहर में जाए किसके लिए ना। बोल ना कि तू तेरा क्या मतलब है। मैं मतलब रखूंगी। ठीक है रखूंगी मतलब। क्या करे क्या करे। तुम तीनों पे केस कर दूंगी। समझ में आई। समझ में आई। कर ना बहन केस कर। मेरे पास चुप हो जा। और लड़का ने हां तो प्रूफ है। तू कर ना किस में तेरी हैसियत है। बाहर में जाइए प्रूफ। ओके ये कोर्ट में चलेगा ना। बाहर में जा प्रूफ। तू केस कर। ठीक है करूंगी मैं दहेज का केस। ओके करूं। ठीक है अभी समझ में आई। और तुम्हारे को मैं अच्छे से बता दूंगी। अब तुझे भी मैं देख लूंगी ना तेरे बच्चे। हेलो
ये अपनी गलती मान लेती, मैं अभी भी रख लेता इसको, मैं अभी भी रख लेता इसको, और ये भाई तो बोल इतना उससे प्यार करता, वो क्या बोल रही है, पैसे मुझे कुछ दिए नहीं, मैं अभी भी रखने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे आए 5 महीने का, उसका क्या करूँ भाई, ऐसी औरत किसी के अपने बच्चों की नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, मतलब घर का रहना, घाट का रहना, मेरे तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, घर वाले मना कर रहे थे, मत कर मत कर, मैंने घर वालों के खिलाफ हो गया, ये किया सब, चुप हो जा, चुप हो जा।